प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड स्कीम बनाई गई है ये स्कीम में तीन बड़े फैक्टर तीन बड़े फैक्टर्स हैं टर्न तर, अराउंड टाइम शिप बर्थडे आउटपुट और यूनिट कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग और ये पोर्ट के एम्प्लॉयज के साथ बातचीत करके उनके साथ काफी डिटेलिंग में डिटेल में चर्चा करके ये सब बनाया गया स्कीम टोटल 198 करोड़ रुपीज़ का इस पर एक्सपेंडिचर एक है एक्सपेंडिचर के अलावा जो बड़ी बात है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बाय विच द पोर्ट, पोर्ट एम्प्लॉयज़ विल बी मोटिवेटेड एंड दे विल बी रिवॉर्डेड फॉर द गुड वर्क दैट दे सेकेंड है रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस दो करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में अप्रूव हुआ है और ये रेलवे ने जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उसके आ, कारण ये संभव हो पाया है इससे ग्यारह लाख बहत्तर हजार दो सौ चालीस एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट होगा रेलवे में आज अगर एम्प्लॉज़ की हम संख्या देखें तो कुल मिला के तेरह लाख चौदह हजार नौ सौ थर्टीन लाख फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी टू एम्प्लॉयज़ हैं एज़ ऑन थर्टी वन थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर का ये नंबर है और इसमें करीब एक लाख उन्नीस हज़ार नौ सौ बावन तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही ज्वाइन किए और वो अगर आपको ध्यान होगा करीब एक लाख चौवन हज़ार के आसपास टोटल रिक्रूटमेंट किया गया था पिछले दो ढाई वर्षों में उसमें दो करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशन एप्लीकेशंस थी और बिना कोई हैसल बिना कोई पेपर लीक बिना कोई इधर कोई कंप्लेंट के बहुत ही स्मूथ तरीके से ये मैसिव एग्जाम कई सारे शहरों में 500 से ज़्यादा शहरों में पर करीब करीब तीस तीस दिन तक एग्ज़ाम चला था 15 लैंग्वेजेस में कई सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था उसके कारण ये ज्वाइन किए थे इसमें भी रेलवे के एम्प्लॉज़ के साथ मिल जो बना हुआ है फॉर्मूला उसमें आउटपुट इनपुट यानी कितना आप इनपुट देते हो उससे कितना आउटपुट आ रहा है मान लो कितने लोकोमोटिव लगाए तो कितना आगे पैसेंजर्स और कार्गो uh, uh, वो सिस्टम खींचता है वैसे ही ऑपरेटिंग रेशियो यानी कॉस्ट कितनी है और आ, आपकी रेवेन्यू कितना है इन सब का ध्यान रखते हुए इन दोनों को 50 50 50 वेटेज दिया गया है इस फॉर्मूले से 76 डेज का बोनस बनता है लेकिन आज कैबिनेट ने 78 डेज का बोनस अप्रूव किया है इन रिकोगशन गुड वर्क दैट रेलवे अभी आर डूइंग अभी थाउजेंड 58,642 है जिसमें अभी रिक्रूटमेंट का काम चल रहा है और मैं ये नंबर इसलिए रखा क्योंकि विपक्ष की तरफ से बार बार एक बहुत एक छोटा नंबर डाल के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास चलता रहता है कभी कोई बीस हज़ार बोलता है कोई पच्चीस हज़ार कोई किसी भी तरह का कोई एक गलत नंबर डाल दो और फिर बाद में उसको गलत को आगे प्रसारित कर दो इस तरह की उनका प्रयास चल रहा है इसलिए ये नंबर आपके सामने रखा एज ऑन टूडे दिस नंबर इज़ फिफ्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी टू वैकेंसीज़ पे आज की तारीख में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है और एनुअल uh, कैलेंडर से चल रहा है जो कि 50-60 साल से नहीं हो पाया था वो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में किया रेलवे के लिए एनुअल कैलेंडर बनाया जिसमें जनवरी से मार्च के क्वार्टर में एक प्रकार का एक कैटेगरी का रिक्रूटमेंट अप्रैल से जून के क्वार्टर में दूसरा जुलाई से अक्टूबर में जुलाई से सेप्टेम्बर के क्वार्टर में तीसरा और अक्टूबर से दिसंबर के